एक ओर जहां देश में चुनावों को लेकर सरगर्मियां आसमान पर हैं, तो दूसरी ओर त्योहारों का भी जोरदार उत्साह है। दशहरे की शाम अखिलेश यादव ने अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम देवप्रयाग में मां गंगा की पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें सपा सुप्रीमो ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट की। इसमें पहली तस्वीर में अखिलेश मां गंगा की आरती कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर में उनके साथ तीर्थ पुरोहित मंत्रोच्चर के बीच गंगा की पूजा करवा रहे हैं, और तीसरी तस्वीर में स्नान के बाद तीर्थ पुरोहित अखिलेश के माथे पर तिलक लगा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि मां गंगा के आंचल में सबके मंगल जीवन के निर्विघ्न प्रवाह के लिए प्रार्थना में कुछ पल। वैसे तो ये तस्वीर सिर्फ आस्था से जुड़ी ही नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश के उत्तराखंड के दौरे और पूजा अर्चना करने के पीछे की वजह राजनीतिक जानकार 2024 के चुनाव से जोड़ते हुए देख रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी के हिंदुत्व पावर गेम पर खुद की मौजूदगी का मैसेज जनता में देना चाहते हैं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में सपा के कुछ नेताओं ने हिंदू और सनातन को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की हैं, जिसे बीजेपी लगातार हथियार बनाकर सपा समेत कई विपक्षी दलों पर हमले करती रही है। ऐसे में दशहरे के मौके पर अखिलेश का ये उत्तराखंड दौरा और गंगा आरती सियासी दलों को ये साफ संदेश दे रहा है कि सपा के मुखिया का हिंदुत्व और सनातन पर पूरा भरोसा है। बता दें कि 23 अक्टूबर को अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ लखनऊ से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह ऋषिकेश में एक निजी होटल में रुके। उसके बाद अखिलेश यादव 24 अक्टूबर को दशहरा के लिए देवप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने संगम पर परिवार के साथ स्नान किया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने केदारनाथ के दर्शन भी किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।